दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद सियासी तलवारें खिंच गई हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कोई भी दल पलटवार का मौका नहीं छोड़ना चाहता। बीजेपी ने ऑडियो क्लिप के जरिए नरेश बालियान पर गैंगस्टर से सांठ गांठ का आरोप लगाया था। बीजेपी के आरोपों के बाद बालियान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच तो बेसलेस बातें करके कि जी मुझे हमें ये पता है कि वो आवाज़ जो है एसीपी साहब ने पहचान ली नंदू की है, और उनके पास कोई ऐसी ग्राउंड नहीं थी, लेकिन क्योंकि आज ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब थे तो पीएमएलए की कोर्ट बिना डायरेक्शन जो है कोई भी ऑर्डर इफेक्टिव हो नहीं सकता था, इसलिए आज जो है 5 दिन की उन्होंने मांगी, 2 दिन का उनको पीसी दिया गया है। नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के कथित वायरल ऑडियो के मामले में पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। वर्तमान मामले में कपिल सांगवान अलियास नंदू और आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान के गठजोड़ का साक्ष्य, जो दोनों के बीच की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। विदेश से संचालित संगठित अपराध का मूल उद्देश्य बेसिकली वित्तीय लाभ ही है। ऐसे में यदि अगर संगठित अपराध की कमर तोड़नी है तो इनके वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को अमल में लाना सबसे जरूरी है। इसी कड़ी में नरेश बालियान प्रथम दृष्टि में एक अहम किरदार दिखते हैं। अपने विधायक पर शिकंजा कसते देख आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मैदान में कूद पड़े। केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाया। उन्होंने साफ कहा कि बालियान तो खुद पीड़ित हैं, उनको धमकी भी मिल रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ये संदेश दे दिया है कि अगर शिकायत करोगे तो कार्रवाई आप पर ही होगी। हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया, कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था, जिसकी बकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले को भी बीजेपी की सियासी साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो तो दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन बदले में उनके ऊपर ही हमला किया गया। उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे, अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन इसकी बजाय हमने देखा मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया, वो लिक्विड हार्मलेस था लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। बीजेपी नरेश बालियान और गैंगस्टर्स के बीच कथित ऑडियो क्लिप को लेकर जमकर हमले कर रही है। चुनावी मौसम है, लिहाजा ताबड़तोड़ सियासी हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार रंगदारी और वसूली की सरकार है, जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चल रही है। कल जो 3 ऑडियो क्लिप्स आई हैं, नरेश बालियान गैंगस्टर से बात करते हुए कह रहे हैं कि हाँ मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई क्योंकि कई सारे फोन आ रहे थे, मुझ पर शक ना हो। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों से कहना चाहता हूँ, और उस पीड़ित नरेश बालियान से मिलने एक बार और पूछे कि ये खेल कितने सालों से चल रहा था। मैं अपने साथियों के साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से टाइम लेकर उनको एक पत्र देने जा रहा हूँ, इस पूरे मामले की छानबीन की जाए, जिन जिन से पैसे वसूले गए हैं। ये वसूली और रंगदारी की सरकार है जो अरविंद केजरीवाल तुम्हारे इशारे पे चल रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी जानती है कि चुनावी मौसम में एक विधायक के गैंगस्टर्स के साथ बातचीत का मुद्दा उसके ऊपर भारी पड़ सकता है। पुलिस भले ही ऑडियो क्लिप की जांच कर रही हो, लेकिन बयानबाजी के जरिए नेता माहौल को गरमाए रखना चाहते हैं। बजाय इसके कि भाजपा के लोगों पे कार्रवाई हो, दिल्ली हाईकोर्ट के रोक के बावजूद ऑडियो चलाने के मामले में कार्रवाई हो, नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का कानून है? केजरीवाल जी दिल्ली की सुरक्षा के बारे में बोलेंगे तो उनके विधायकों को आप गिरफ्तार करेंगे, उनके ऊपर आप हमले करवाएंगे?
एक पार्टी जो करप्शन के अगेंस्ट, इनफैक्ट जब शुरू में टिकट सिलेक्शन उन्होंने स्टार्ट किया था तो 3 C थे जहाँ तक मुझे याद आ रहे हैं, वन इज कैरेक्टर, दी अदर वॉज करप्शन, एंड तीसरा कौन सा सी था, तीसरा सी क्राइम था। जो पार्टी राजनीति को बदलने चली थी उस पार्टी के सीनियर विधायक अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उससे डिविएट हो गए हैं। नरेश बालियान को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में उतर आई है, उन्हें पीड़ित बता रही है, उससे साफ है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी का नेता ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हो वो अपने लोगों की सुरक्षा तो करेगा ही। नरेश बालियान एक्सटॉर्शन करता हुआ, सुपारी देता हुआ, गैंग वार करने वाले लोगों से सेटिंग करता हुआ, डील करता हुआ, पूरी ऑडियो चैट आ गई है। जिस पार्टी का नेता ही अपराधी हो, अपराध का केस चल रहा हो भ्रष्टाचार का, वो व्यक्ति तो अपराधियों को प्रोटेक्ट करेगा ही। जाहिर है दिल्ली की फजा बदली बदली सी है, जहां कोई अपने दामन को पाक बता रहा है वहीं दूसरा उस पर थप्पड़ ढूंढने में लगा हुआ है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कमीज पर सफेदी दिखनी ही चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.